अगर मलयुद्ध या समथिंग पार्टी में कोई प्रार्थ होता है तो तू अपनी रिवॉल्वर की छाई की छाई गोलियां उसके सीने में दफन कर देता है। और आज आज मैं देखता हूं जागीरा कि मेरी बंदूक की कितनी गोलियां तू अपने सीने में दफन कर सकता है। अभी मेरी मौत नहीं है। जागीरा के साथियों मेरे पास आ जाओ। जागीरा के साथियों बाबा सरदार मुझसे तबीरबाजी में प्राप्त हुआ हर मेरी बंदूक की तो गोलियों का निशाना हो गया। और अगर अगर तुम लोग अपने सरदार का बदला कभी भी मेरी पीठ पर वार करके लेना चाहते हो तो पीठ पर नहीं गोली मेरे सीने पर चला सकते हो। नहीं, हमारे सरदार जी का कहना भी था जिस दिन दो इंसान तुम्हें मुझे परास्त कर देगा वही तुम्हारा सरदार हो जाएगा। आज हमारे साथी आपको सरदार चुनते बिजली कहिए। अगर आपके आप लोग मुझे अपने इस गिरोह का सरदार चुनते हो तो आज से मैं आपके इस गिरोह का संचालन करूंगा और अपने आप को चंबल घाटी का मसूर का कुछ चंदन सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। हम लोग बिहार की तरफ चलेंगे और अपने बदन पर काला लिबास धारण करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करना क्या है और चलना कहां पर है। जय जी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। किसकी? मैं महामंत्री राघु सिंह की लाडली हूँ। राघु सिंह की जी, लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप? हाँ, बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा भी प्यारा नाम है। प्रदीप, मैं आपसे एक बात कहूँ। कौन सी बात? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे उसमें बुरा कौन मानने वाली बात, कौन सी बात है? मैं तुझे जब से देखी हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या सच में मुझसे प्यार करना चाहती हो? जी सच में। हाँ, मैं भी करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, मगर सबसे पहले प्रिया बोलो, कसम खा और वादा कर रहा हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं कसम खा और वादा भी करूँ आपको सच में। प्रिया आप दूसरे में खो जाते हैं तो देर क्यों कर रहे हो? देर करने का मौका नहीं। हरी तेरे मेरे बीच में, तुम्हारे प्रिया हमारे। अच्छा, हरी तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन आई Oh,
गड़बड़िया। तो दोनों मिलाओ। आवा हम तू प्यार करा जा। तू दोनों जनी लड़की हम लड़का। आवा कुछ कुछ न कर भाई, कुछ न कर। चिज्जी खावे का, चिज्जी लाई का। हाँ चिज्जी लाओ भैया। हेलो, आ गए मकबूल। मकबूल पॉइंट पार्टी उमरार के रहने वाले हैं। 100 रुपया का व्यवहार पार्टी कोर से धन। हेलो, देखिए आगे हरकेश मौर्य जी, ये उमरार के रहने वाले हैं। कह रहे हैं चाला पगला चिज्जी लाने गया। एक बात सुन लियो, अब तो फांसी। हाँ, चिज्जी ले आवेगा। क्या मारा मिलके भूभुन फूट जाए काटन। चिज्जी हमारा चिज्जी खाटा। अबे चाले दुकान की चिज्जी कहा जाले तुहार चिज्जी खा। तो हम लाए तो हमें चिज्जी दवाई। तुहरे पैसा के चिज्जी आए तो लेना हमारा चिज्जी खा। हमने हलो पर कहा लियो चिज्जी खा, हमारा चिज्जी ना खा। लियो चिज्जी खा। हाँ फिर तो खा। आधा तू खा लिया, आधा एक तेरी बढ़िया खा जा। भूख लाग है, आओ खावा जाए। खावा तो जाए लेकिन सूझबूझ से खाए। हो तुम मसाले बलंडी अकेले थोड़ो खा। दो चार दस जने का मिला के खा। पहले उनका दियो खाए, अगर कौनो बात हो पहले उनका हो। चिज्जी खवाए पाइस नहीं कि पिलाई चालू। चुप चुप चुप, मौता है। अबे तू डरा देखा। अरे ऐलान बैलान का समझो तू। ऐलंडी बैलंडी चाल हम नहीं डराए। तू खाइयो खा, लियो बेटा तू खा लियो। संजय जी बाजार लियो, तेरी माँ तो बोल जाए। लियो तू खा लियो, जल्दी खा। लियो खा लियो बिल्कुल। ए ले चाले तू भी खा। या का भाई, या पहले चिज्जी खाने बताई। चिज्जी अरे मेरी यार, तुम बात करो हमें कहीं। हाँ अच्छा कहा तही। हे ये तुम ही चल कहो हम बात करी। तुम यही तो जा हो। हे हाँ अभी देखा। अबे चिज्जी भाला उनका दोनों मिलक देखा। कैसे प्यार करत रहे ना, चपक चपक चुम्मा लेत रहे ना। चलो वही तरह हम तू करा जाए। पांच रुपया के चिज्जी खवाए के आ वही तरह प्यार करा जाए। अबे चाले प्यार लड़की लड़का में होता है। अपनी चिज्जी उठा और यहाँ से दफा हो जाओ। प्यार ना कर दे तो हम आज चिज्जी दे। और ये का चिज्जी तो हम पूरी अंदर कैली उतार दियो। आइजा को जब तुहिन प्यार करो जाए। हम है मान के नहीं ना बुढ़ाई दे तुहार मौतो है। डॉक्टर जवाब दे दे। प्यार करबू कि ना करबू। प्यार हम ना करबू तो हम आज चिज्जी लावा। चिज्जी ले लियो। हम आज जैसे रही वैसे दे। सील बंद रही कर। हाँ ले बे सील बंद हो गई ना ही योग भरा। वो जब जब उन अंदर करे हमको बाहर निकाला। अंदर के चिच्ची निकालो यार, हम तो कहा डाल रहे हैं सब। किचा चिच्ची निकालो जो उन लकड़ पर घर की नहीं मुंह बनावा था। और की तो चलो प्यार करो। कि तो हमारा चिज्जी दे कि तो हम प्यार करा। प्यार कहना पे हम हाथ लगाए हैं। हाथ लगाया देखा हम कैसे करी थी। हम कोई लरिया के ए, कपड़ा उतार दवा कप कप भैया लावा लावा हमका लावा। इनके बस के नहीं ना।
ए भैया प्यार न करो यार। रुका रुका, पहले उनके कहा कह ली ना, तो फिर तो हाँ कहा करी हम करे कहा। अरे साला भाई लंडी कहाँ जाए गया है तो पढ़ ले बात। नहीं चला तू चला जा बात नहीं सब चला जाए। तने की प्यार कह लिया करे पास जा। प्यार न कर बे। प्यार न कर बे। कहे न कर बे। हम कोई लरिया के जाए जो हो लला मनिया के माय। चुम्मा लिए गलाल तो हमें गाले में चुम्मा ले लेते हो, हमें वोटे में चुम्मा ले लेते हो। तब हमने बहुत पिरात है तब होटल गली बन रहा है। चुतरे मत चुम्मा नहीं हो तबो दल का लीमा ताले पे लंडी। हम तो यक्के महीबे। अरे ताले मारो बनियानी फाट आए हो। अब कहा अब जाऊं नहीं चले कहाँ चला। अब कहा ताले माँ मियानी फरियों भाग। आवा वाला फाट आए। अरे गोरे गोरे बच्चों की काली काली अम्मा का इंतजार करते हैं।
बड़ी लिखे हाल बना रखी है लंबा साल आखे बोलेगा कुछ उदयपुर के मेला गई मेला में बड़ा करारा मेला लगा रहा अबे मेले की तारीफ करेगा कि मेरी बेटी प्रिया के विषय में बताएगा ओ, सुना तो बहुत बड़ी बड़ी दुकान आई रही पिट्टी गलाई गई चाउमीन बर्गर खवावा कोई की बात बीच मेला में घूम गए तो फिर क्या हुआ मेला देखत रही मेला में चोर डाकू आएगी बेटी वही मेला में बिट्टी प्रिया हेराई गई अबे मेरी बेटी तुझसे जुदा हो गई आज तुम्हारा फर्ज की तलाश की बजाय यहाँ अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ गया और यहाँ नहीं तो खबर को बतावा महाबले चलो शिवम तुम्हारे साथ हम उदयपुर मेला के लिए प्रस्थान करते हैं चलो साले दलिहल अब तुमको हुए नहीं चला जहाँ हमार बनियानी फाट है वही बैलनवा साले तुम्हारा कपड़ा न चुआ डो अब चल रहे उदयपुर के मेले की तरह और हुए बैलनवा मिली इनके ठकुर पूरा गांव में घुस जाए चल रहे हैं मेले की तरह चली नहीं गाचा प्रदीप मैं आपसे बात कर कौन सी बात है मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ क्या तुम्हारी माँ से अपनी सासू माँ से मिलना चाहती हूँ क्या मुझे ले चलो तुम्हारी माँ के पास चलोगी जी क्यों नहीं जरूर ले चलूंगी मगर ऐसे नहीं फिर कुछ कहती हुई बसे हम नसे इसी चमन में तो अपना तेरा एक बहाना था पर ये तेरे साथ कौन है पता हराम जादे वरना इस हराम जादे को मैं तेरे सामने गोली मार फिर ये पिताजी नहीं बेटी नहीं ये पिस्ता मुझे तो इनका नाम प्रदीप है पिताजी मैं इनसे प्यार करती हूँ पिताजी प्यार का गंदा नाटक खेलने वाली गुस्ताख लड़के पिताजी इसमें प्रदीप की कोई गलती नहीं पिताजी जो सजा देनी है मुझे दीजिए प्रदीप को नहीं प्रदीप मेरी बात भाग जाओ प्रदीप हे भावरिया पीछे करो सारा आप चाहते और अन्ना शक्ति आ तो का पेला पक्का पेला ये तो हराम ज्यादा वही दीपक दुनिया की नजर भले धोखा खाए लेकिन ठाकुर राघव सिंह की नजर कभी धोखा नहीं खाती आज तक आज तक जैसे पत्थर की जिंदगी तो मेरी मां से जी रहा है लेकिन आज के बाद
तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा हराम चाहता तो इस दुनिया में अब जिंदा नहीं रहेगा दीपक। आज का दिन ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है हराम। आज ही मैंने अपने बदन पर यह काला लिबास धारण किया है और जैसे ही हम लोग अपने 4 नंबर गुफा से 7 नंबर गुफा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, रास्ते में लड़का इस तरह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। बिजली क्या आप लोग इसे जानते हो? सरदार जी मैं लड़के जानती हूँ। सरदार जी क्या कर तुम जानती हो? सरदार जी मैं लड़के उदयपुर के मेले में देखी सरदार जी और अपने गुंडा भी कहता था। सरदार जी बिजली अपने आप को गुंडा कह रहा है, उसके वस्त्रों से ऐसा प्रतीक हो रहा है कि इस लड़के का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। फिलहाल एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मारो। अगर ये लड़का होश में आ गया तो मैं कुछ इससे पूछना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे निर्दयी लोग भी इस दुनिया में पड़े हुए हैं जिनसे पागल भी नहीं बच रहे। हमें लगता है किसी ने इसके सर पे वार कर दिया है क्योंकि इसके सर से लहू बहता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे बताओ कि किसने तुम्हारी ये दशा किया है? और आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर अपने मुखार बिंदु से मुझे उस हरामजादे का नाम बता दिया तो आज सबसे पहले मैं उसे इस दुनिया से मिटाकर तेरे ऊपर किए गए हर जुर्म का बदला उससे चुकता करूंगा। उठो बेटी और मुझे बताओ कि किसने तुम्हारी ये दशा किया है? मैं उस हरामजादे का नाम जानना चाहता हूँ। बेटी मेरी तरफ देखो और मुझसे नजरें मिलाकर जिसने भी तुम्हारी ये दशा किया है उस हरामजादे का नाम मुझे दीपक देखे। दीपक ये तो मेरा बेटा दीपक है जिसे मैं समझता था कि सम्राट ने सजाए मौत की सजा दे दिया था और इसे फांसी पर लटका दिया गया होगा। लेकिन आज मेरा बेटा दीपक इस पागल बनकर सूरत करती गलियों में घूम रहा है। हर धिक्कार है उस पिता को कि जिसका बेटा पागल बनकर सूरत करती गलियों में घूम रहा हो और उसका पिता हर ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहा है। बेटे दीपक देख बेटे कि एक समय था कि तेरे पापा के बदल पर सूरतगढ़ सीमा सरहद की वर्दी रहती थी और अपने देश की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता था। लेकिन तेरी वजह से आज तेरे पापा के बदल पर ये काला लिबास है और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू चंदन सिंह के नाम से विख्यात किया हूँ। बेटे दीपक आज कई वर्षों से तुझे मैं अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी को शांत कर दे बेटे। मेरे पास आओ बेटे। बेटे दीपक मेरे पास आओ बेटे। Thank you.
जी, मेरा बेटा दीपक मुझे पहचान नहीं रहा है। नहीं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी आप प्रयास करिए जरूर भैया बच्चे। बिजली, आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ, इससे लेकर तुम्हें सूरत गढ़ जाना होगा और किसी से भी सेना पर उत्तम सिंह का बंगला पहुँच कर मेरी पत्नी उर्मिला के पास इसे छोड़ देना। और मैं इसी वक्त जाऊंगा, सूरत गढ़ भरेरा दरबार की तरफ, और जिस राघव की वजह से मेरा बेटा पागल बनकर सूरत गढ़ की गलियों में घूम रहा है, जब तक मैं शाम जाते को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, अपने परिवार वालों को अपनी शक नहीं दिखाऊंगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, चलिए कमीने के पास, मैं भैया दीपक को बंगले पर पहुंचा कर मैं भी आऊंगी कमीने को मारने के लिए। सिद्धार्थ जी, हाँ सिद्धार्थ जी, बिजली मेरा बेटा दीपक मुझे मैं ये मालूम था कि वो इस दुनिया में जीवित है, इसलिए मैं जी रहा, लेकिन आज अगर ये मुझे मिला और फिर खो गया तो मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए इसे संभाल कर लेकर जाना। नहीं सिद्धार्थ जी, मुझ पर भरोसा करिए सिद्धार्थ जी, मैं जरूर ले जाऊंगी भैया। तुम इसे लेकर सूरतगढ़ जाओ और मैं इस वक्त उस राघव सिंह के बंगले की तरफ जा रहा हूँ, मैं इस वक्त उस राघव सिंह के बंगले की तरफ जा रहा हूँ, और जब तक मैं सरंजादे को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक इस तो चंदन सिंह के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी कभी शांत नहीं हो सकती है।